हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज का ये वीडियो जो है कुछ डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज से पहले इस टाइप का वीडियो कभी भी इस यूट्यूब चैनल पे मैं नहीं डाला हूँ। आज ये वीडियो मुझे बनाने का जो अवसर मिला है वो इसलिए क्योंकि मैं बेगूसराय से जो है पटना ट्रेवल कर रहा था, वो भी बाइक से। तो बीच रास्ते में मुझे जो है दो एयर इंडिया का फ्लाइट मिला, जैसा कि आप गाइस यहाँ पे देख सकते हैं। एक फ्लाइट हमारे सामने है, एयरप्लेन यहाँ पे एयर इंडिया का, जिसका सारा पार्ट पुर्जा जो है खुला हुआ है, और एक जिसमें अभी मैं अवेलेबल हूँ। तो गाइज, आप एरोप्लेन के अंदर का जो है नज़ारा देखिए, कुछ इस तरह का लग रहा है। सारा सीट जो है खुला हुआ है टोटली जो है इस तरह से, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ ये सब ग्लास से सब वीडियो शूट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे पूरा कुर्सी वर्सी सारा चीज़ आप देख लीजिए गाइज। और इसमें हर सीट जो है सेफ्टी के लिए भी डाला गया है बहुत सारा चीज़। पहले आप अच्छे से जो है एयरप्लेन का नजारा लीजिए, किस तरह हर एक सीट के नीचे डिस्प्ले होता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं हर मतलब सीट के पास में जो है ये डिस्प्ले होता है, जिससे कस्टमर लोग इंटरेक्शन जो भी हो उसके लिए रहता हो, आप लोग जानते ही हैं। मैं फर्स्ट टाइम जो है किसी खरे एयरप्लेन जो खराब है उसके अंदर विजिट किया हूँ, और आपको ये ब्लॉग दिखाने का मुझे मौका मिला। इससे पहले सिर्फ जो है इस चैनल पे मछली के बारे में या मतलब अदर फिशेस एक्वेरियम के बारे में ही बताते थे, लेकिन ये जो है एक छोटा सा ब्लॉग बना के हम आपको दिखाना चाहें कि ये जो है अंदर से कैसा दिखता है एयरप्लेन। तो आप देख लीजिए ऊपर से भी, और पहले आपको चलते हैं फ्रंट में दिखा आगे किस तरह से रहता है। तो चलिए दिखा रहे हैं आपको। तो गाइज, हम लोग जाने वाले हैं उस सीट पे जहां पर जो है पायलट एयरप्लेन को उड़ाने की तैयारी करते हैं, और अभी क्या क्या आगे इंस्टॉल है वो। वैसे तो मैं बताया हूँ कि सारा पार्ट पुर्जा जो है खुला हुआ है, टोटल पार्ट पुर्जा यहाँ पे देखिए सब चीज खुला हुआ है। टोटल साइड में इतना सारा बटन है, क्या 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 लिखा हुआ है समझ में मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और ये सब है, ये देखिए गाइस, ये सब एकदम आगे पीछे क्या है नहीं है कुछ पता नहीं आप ये सब देखिए क्या घूमता है, कैसे क्या होता है, कुछ भी मुझे आइडिया नहीं है। कौन सा ब्रेक है, ये क्या है, ये ब्रेक है, ये एक्सेलेरेटर है क्या, एकदम बाइक फोर व्हीलर के जैसा इधर भी एक्सेलेरेटर है या ब्रेक है क्या है। देखिए इस तरफ भी है, सारा पार्ट पुर्जा खुला हुआ है। देखिए ये फ्यूल ऑटो ऑब्जेक्ट, और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से जो है हम लोग की कार में रहता है कि आपके थोड़ा सा इफेक्ट ना हो, इसमें भी लगा हुआ है। ठीक है, ऊपर में भी ट्रैफिक जाम होता होगा तो देखने को मिलता होगा। और यहाँ से आप देख लीजिए गाइज नजारा, थोड़ा सा बाइक हमारा देख लीजिए वहाँ पे है, बाइक जो है वो वहाँ पे आप देख सकते हैं, हंटर है 350, और यहाँ पे एक एयर इंडिया का फ्लाइट है। उसमें जाने का रास्ता अभी फिलहाल जो है उस सीढ़ी हटाया गया है, नहीं तो हम उसके अंदर का भी दिखाते हैं आपको। और बाहर से तो अभी लुक हम आपको दिखाने वाले हैं ही कि कैसा लुक होने वाला है, मतलब कैसा दिख रहा है। ठीक है, ऊपर भी देख लीजिए यहाँ पे कितना, बाप रे बाप, इतना ज़्यादा सिस्टम। ये एग्जिट का एक इधर दिया हुआ है, इधर से भी जो है एग्जिट कर सकते हैं। इस तरफ से थोड़ा सा दिखा दो, यहाँ पे देखिए गाइस कुछ पार्ट्स जो है साइड वाला यहाँ पे खुला हुआ है, गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पार्ट्स जो खुला हुआ है। और ये जो है रेस्टोरेंट कैफे टाइप का बनने वाला है, ठीक है ना, ये ऐसे ही पड़ा हुआ नहीं है, इसको सारा चीज़ जो है अच्छे से सेटअप करके जो है रेस्टोरेंट कैफे टाइप का इसमें बनाया जाएगा। आप यहाँ पे विजिट करके आप नाश्ता पानी कर सकते हो। इसे लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, लोकेशन क्या है यहाँ का, ये बख्तियारपुर रोड है। ठीक है, बख्तियारपुर हाईवे वाला रोड है। जैसे ही आप बख्तियारपुर हाईवे पे चढ़िएगा बेगूसराय की ओर से, तो आपको ये भारत पेट्रोल पंप है, इसके नज़दीक में मिलेगा। हम आपको एड्रेस भी थोड़ा सा वहाँ पे लिखा हुआ होगा, हम पढ़ के बता देंगे आपको। आप लुक देख लीजिए कैसा लग रहा है एयर इंडिया फ्लाइट के अंदर से बाहर का लुक। तो भाई जब चलते हैं थोड़ा सा एग्जिट की ओर, ये फर्स्ट एग्जिट था जो गेट के पास वाला था, अब सेकेंड एग्जिट के पास आते हैं। कितना सारा सीट है गाइस आप देख सकते हैं, बहुत मजा आया, मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग किसी, काफी ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम जो है किसी खरे एयरप्लेन जो खराब है उसके अंदर विजिट करके इतना सारा देखने को मौका मिला। कभी भी जो है फ्लाइट से मौका नहीं, फ्लाइट का सवारी करने का मौका तो बहुत बार मिला, लेकिन रुके हुए प्लेन में इस तरह से पार्ट निकला हुआ ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। स्क्रैप
प्लेन में देखने को पहली बार मौका मिला। देख सकते हैं एक एग्जिट का यहाँ पे भी है, ये देखिए यहाँ पे एग्जिट का है। क्या क्या इसमें रखा हुआ है गाइस, ये सारा चीज रखा हुआ है। एयर इंडिया का एक क्या है ये सिकनेस बैग, वाह व्हाट इज दिस, ये है क्या, होता क्या है, चलो एक रख लेते हैं ठीक है। और ये क्या है, बहुत सारा चीज है, क्या क्या, चलो ये हम एग्जिट कर रहे हैं। हमारे लिए यहाँ पे सीरी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं गाइस जनरेटर वाला। हाँ ये यहाँ जो है लोटस फैमिली रेस्टोरेंट में लगने वाला है, ठीक है, लोटस फैमिली रेस्टोरेंट ही है ये। थोड़ा सा सेटअप जिधर भी होगा वो दिखा देंगे। यहाँ पे भी पार्ट्स है हमारा, सॉरी थोड़ा बैक कैमरा करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इस साइड का भी पार्ट्स है और हमारा बैग और हेलमेट वहाँ पे है। तो गाइस अभी हम लोग जो है जनरेटर पे जंप करके जो है, जंप करो, ये एयर इंडिया का एक रख लो, चलो हटो तो जरा। तो गाइस तो हम लोग जो हैं अब आपको दिखाने वाले हैं कहाँ पे ये लगा हुआ है, ताकि आप जो है नेक्स्ट टाइम विजिट कर सकें। और ये गाइस अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से, ये यहीं पे जो है ये लगा हुआ है, मैं भी गूगल पे सर्च करने पे आ ही जाएगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के। सारा पाठ पुजार थोड़ा अंदर से भी दिखाते हैं। ये देखिए साइड से जो विंग रहता है इसका, ये इस तरह से उसके अंदर का कनेक्शन है, फ्यूल का कनेक्शन होगा, ये सारा फ्यूल का कनेक्शन ही होगा, मुझे तो उतना आइडिया है नहीं। और ये अंदर से देखिए कितना ज़्यादा कैसे है, बाप रे बाप, एकदम गजब का है। बनाने में तो हालत ख़राब हो जाता होगा, कितना कनेक्शन है, जरा सा भी कहीं से अगर प्रॉब्लम हुआ, कहीं से भी लीकेज अगर हुआ तो उसको ठीक कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता होगा, बहुत ही ज़्यादा, बिना मशीन पे बैठाए पानी से ठीक नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये ठीक होता होगा, बिना मशीन पे बैठाए ठीक होना असंभव जैसा है। तो गाइस फर्स्ट ये है, और लोटस रेस्टोरेंट वहाँ पे लिखा हुआ है, हाईवे पे मेन है, यहाँ तो आपको दिखाई दी है गाइस। और इसके जस्ट अपोजिट में भारत पेट्रोल पंप है, एक इस साइड है लगा हुआ, और एक जो है क्या, हाँ और हाँ गाइस आप ये भी देख लीजिए, इधर वाला जो है डोर लॉक है, और इसमें जो है दरवाज़ा भी दिया हुआ है, तो ओपन कैसे किया जाता है, अभी इसका पार्ट्स नहीं खुला है, हाँ इसका ये पूरा पार्ट्स अभी नहीं खुला है इसलिए लॉक है। और ये क्या है, ये गाइस देखिए ये अंदर का इस तरह से कितना, ये फ्यूल का सब होगा, मे भी ये सब जो है फ्यूल का है, बहुत सारे इसमें पार्ट्स लगा हुआ है, एक ये है और एक ये है। तो गाइस ये दोनों जो है एयर इंडिया का फ्लाइट, यहाँ पे जब अच्छे से लग जाएगा कैसे टाइप का जब हो जाएगा तो काफी और गाइस मैं कोशिश करूंगा जब ये जो है रेडी हो जाए रेस्टोरेंट कैफे जो भी, फिर से एक ब्लॉग डालो ठीक है। अब देख लीजिए दोनों, इसके अंदर कितना पार्ट्स होता है, वाह यू गाइस देखिए अंदर से कितना ज्यादा कनेक्शन है, लाइट उट भी दिया हुआ है, ये विंग्स के अंदर का है, खड़ा होने की कोशिश करते हैं, देखिए वाओ एक थंबनेल चाहिए, एक थंबनेल ले लो। तो फाइनली गाइज अब हम लोग जो है इस ब्लॉग को यहीं कंप्लीट करते हैं, और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके इसके बारे में जरूर से जरूर बताइएगा।
ये छोटा सा जो है ब्लॉग बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को जो है जो नया होने वाला है वो हम दिखा सके। वैसे तो हम सारा एक्वेरियम रिलेटेड डालते हैं, आप उसको लाइक करते हैं, ये शेयर करते हैं, ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस वीडियो को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करिएगा और खूब सारा शेयर करिएगा, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और हम चलते हैं पटना। ये रही हमारी प्यारी सी धन्नो और अब हम अपने धन्नो से चलेंगे पटना। गाइस अब हम लोग चलते हैं यहाँ से पटना की ओर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।